ही डिश जिसका नाम है मलाई कोफ्ता, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप उसको नान के साथ और चपाती के साथ खाएं तो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाते हैं शाही डिश मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता है मैं आपको बताती हूँ। मैदा, ये मैंने 6 चम्मच मैदा लिया है। उबला हुआ आलू, ये 2 उबले हुए आलू है। पनीर, 250 ग्राम पनीर लिया है मैंने। ये फ्रेश मलाई है। प्याज रफ चॉप किया हुआ, टमाटर रफ चॉप किए हुए, ये 2 बड़े प्याज हैं और ये 4 टमाटर हैं मीडियम साइज के, आपके पास बड़े हैं तो आप 2 ही लें। और ये हरा धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, टमाटो केचप 1 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। ये मैंने यहाँ कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 4 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, 3 सफेद इलायची और ये है दालचीनी। और मैंने लिया है बटर, रिफाइंड ऑयल, चाट मसाला, ये है हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, ये कुछ कतरे हुए काजू हैं और कुछ किशमिश है, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, नमक टेस्ट के अनुसार, और ये 10 काजू हैं और हरी मिर्च। और मैंने यहाँ लिया कसूरी मेथी और साबुत जीरा और ये है 2 तेज पात के पत्ते। तो चलिए शुरू करते हैं मलाई कोफ्ता बनाना। तो सबसे पहले हम कोफ्ते की तैयारी करते हैं। मैंने लिए हैं ये उबले हुए आलू, इनको हम करेंगे कद्दूकस। आलू आप ठंडे लें, अगर गर्म है तो उनको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें जैसे कि वो ठंडे हो जाएंगे, और आप इसको इस तरीके से कद्दूकस कर लें। देखिए आलू कद्दूकस हो गए हैं, अब हम पनीर को कद्दूकस करेंगे इसी तरीके से। इसी तरीके से हम अपने पनीर को भी अच्छे से बीट कर लेंगे। देखिए मेरा पनीर भी कद्दूकस हो गया है। अब इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्ची जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और चाट मसाला, साथ ही इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ती। और हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, मैं इसमें पहले 4 चम्मच मैदा ऐड करूंगी, उसके बाद जितनी जरूरत पड़ेगी उसके बाद उतना उसमें ऐड करूंगी। 3, 4। अब मैं इसको हाथ की सहायता से स्मूथ को बनाना है मुझे इसका, अच्छे से हम इसको मैश करेंगे। मैदा हम इसलिए इसमें यूज करते हैं ये हमारा जो मिश्रण है अच्छे से बाइंड हो जाए, हमारे कोफ्ते जो है एकदम चिकने बनकर तैयार हो। इसको हम आटे की तरह गूंथेंगे जैसे इसमें एक ही कुटी ना है। और इसमें 1 चम्मच अभी मैदा और डालूंगी, मुझे कम लग रहा है। देखिए हमारा डो अभी थोड़ा सा चिपक रहा है, तो हम इसमें अभी थोड़ा सा मैदा और डालेंगे इसके ऊपर से, करीब 1 चम्मच। इसको ऐसे फ्लैट कर लेंगे, इसको इस तरीके से बाइंड करेंगे। देखिए हमारा डो बनकर रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। और जो मचा हुआ मैदा है हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं और कोफ्ते बनाते हैं। आप अपने मनपसंद शेप बना सकते हैं।
जैसा आप बनाना चाहते हैं सर्कल में या सिलेंडर में। मैंने ऐसे ही कर दिया है डंप इसमें। हम इसमें काजू के पीस और किशमिश रखेंगे। आप चाहे तो प्लेन भी बना सकते हैं, बट ये शाही डिश है तो हम इसके अंदर फिल करेंगे काजू और किशमिश को। शेप देती हूँ इसको इस तरीके से। ये बिल्कुल चिकना होना चाहिए जैसे कि तलते टाइम फटे नहीं। और हम इसको इस तरीके से कोट कर लेंगे मैदा में। और इस तरीके से हम अपने सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। मैंने ऑयल कढ़ाई में डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है और मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब हम इसमें डालते हैं अपने कोफ्ते। मैं एक बार में चार ही कोफ्ते डालूंगी और इनको हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे जो कोफ्ते हैं हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। मैंने धीरे धीरे हाथों से हल्के से घुमा घुमा कर फ्राई कर रही हूँ। आपको ऐसे ही इनको हल्के हल्के हाथ से घुमा घुमा कर फ्राई करना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपका गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होना चाहिए, जिससे ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। अभी हम इन्हें थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। जब तक ये पूरे गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इनको फ्राई करना है। देखिए दोस्तों, हमारे कोफ्ते अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और किचन कवर पर इन्हें निकाल लेंगे। और बाकी के बचे हुए जो हमारे कोफ्ते हैं उनको भी इसी तरीके से हम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने गैस ऑन कर ली है, उस पर एक कढ़ाई रख दी है। अब हम उसमें डालेंगे ऑयल। मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है और तो तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये अपने खड़े मसाले। इनको थोड़ा सा हम भून लेंगे। अब प्याज, इसको तो हम थोड़ा फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर। और ये काजू। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, जिससे हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। और हम इसे 1 से 2 मिनट ढक कर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये भी पककर रेडी हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के बाद मिक्सी में पेस्ट बना लूंगी। देखिए दोस्तों, मैंने पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। मैंने इसको एक बार छान लिया है, क्योंकि जो भी इसमें बचे हुए मोटे मसाले रह गए थे उनको मैंने निकाल दिया है। पेस्ट हमारा एकदम स्मूथ बढ़िया तरीके से इसका रेडी हो गया है। तो मैंने गैस ऑन कर ली है, उसमें कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं डाली उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल और 1 चम्मच बटर। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा, करी मिर्च, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। हम इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर। इसको
हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। हमारे सारे मसाले अच्छे से पक गए हैं, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्यूरी और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं इसमें डालूंगी किचन किंग मसाला, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर केचप और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसके बदले चीनी भी डाल सकते हैं। हम इसे दो मिनट ढककर पकाऊंगी। देखिए दो मिनट हो गए हैं, अच्छे से हमारी प्यूरी पक गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी फ्रेश मलाई, आप चाहे तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इसका कलर से डाल दें कितना अच्छा आ गया है, देखिए हमें इसे लगातार चलाना है जिससे कि मलाई हमारी फट ना जाए एक उबाल आने तक। हम इसे ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, पूरे अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा सा मीडियम कर दिया है लो से। देखिए दोस्तों हमारी ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, अब मैंने कोफ्ते के ऊपर डालूंगी। देखिए मैंने ग्रेवी से कोफ्तों को कवर कर दिया है, अब मैं इसे थोड़ा सा हरी धनिया पत्ती से सजा देती हूँ और जो हमारे बचे हुए काजू बादाम और किशमिश हैं उनसे भी उनको डेकोरेट कर देते हैं। देखिए दोस्तों हमारी मजेदार मलाई कोफ्ते की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आप इनको नान के साथ और रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही शाही रेसिपी है। दोस्तों आपके घर कोई मेहमान आ रहा है तो इन्हें इस रेसिपी को जरूर बनाएं और उन्हें बनाकर खिलाएं। दोस्तों ये खाने में डिलीशियस है ही है और साथ में हेल्दी भी बहुत है, तो आप इसे जरूर एक बार ट्राई करें। और आपको अगर दोस्तों मेरी ये डिश पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।